साथ में मेरा कीटो डाइट एक्सपीरियंस और मेरी कीटो डाइट नॉलेज शेयर करूंगी। सबसे मेन क्वेश्चन, व्हाट इज कीटो डाइट? कीटो डाइट होता क्या है? सो गाइस, कीटो डाइट इज अ फास्ट फैट लॉस डाइट जहां हम हाई प्रोटीन, हाई फैट्स और वेरी लो कार्ब्स एंड जीरो शुगर बॉडी में इंटेक करते हैं। सो गाइज, हम जब कार्ब्स नहीं खाते हैं, हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है एंड ग्लूकोज ही हमारी बॉडी का मेन सोर्स है फॉर एनर्जी। सो गाइज, हमारी बॉडी कीटोसिस प्रोड्यूस करने लगती है जो हमारे लिवर में बनता है थ्रू अवर स्टोर्ड फैट्स एंड तब हमारी बॉडी हमारे स्टोर्ड फैट्स में से एनर्जी प्रोड्यूस करने लगती है जिससे हमारा फैट लॉस होता है। सेकेंड मेन क्वेश्चन जो कीटो डाइट के ऊपर से आता है, हम क्या खा सकते हैं? सो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए कीटो डाइट सबसे इजी एंड सबसे बेस्ट डाइट रहेगी क्योंकि नॉनवेज में हाई प्रोटीन बहुत इजीली हम इंटेक कर सकते हैं। तो नॉनवेज में आता है चिकन, मटन, फिश, एग्स, एवरीथिंग दैट इज नॉन वेजिटेरियन आप खा सकते हैं। वेजिटेरियंस के लिए कीटो में ऑप्शंस थोड़े कम है, जैसे कि पनीर, ब्रोकली, स्पिनच, कॉलीफ्लावर, अवोगाडो, बेरीज, आमंड्स एंड प्रोटीन शेक्स वगैरह आप ले सकते हैं क्योंकि हाई प्रोटीन इंटेक करना होता है। एक्चुअली मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, इसके लिए मेरे को कीटो के साथ में वेजिटेरियन कीटो का उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है क्योंकि मैंने मेरे कीटो जर्नी में ओनली नॉन वेज को ही हैप्पीली इंजॉय किया था। फैट्स के लिए हम खा सकते हैं चीज, बटर, घी, क्रीम, ऑलिव ऑयल, फिश ऑयल, कोकोनट ऑयल। बोला जाता है कि कोकोनट ऑयल बहुत रिच है इन फैट्स, फॉर कीटो डाइट कोकोनट ऑयल इज परफेक्ट। हम चीज, घी, बटर का भी मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। एक्चुअली कीटो डाइट बहुत सैड हो जाती है अगर हमें ये फैट्स के ऑप्शन ना मिले जाते क्योंकि कीटो में ना हमें बहुत रिस्ट्रिक्टेड फूड खाना है और वो दो तीन महीना कंटिन्यू खाना थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है क्योंकि हम लोग चीज, बटर, घी ये सब खा सकते हैं। कीटो डाइट थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है एंड मैंने तो मेरा कीटो डाइट बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया था। लाइक लिटरली वो ढाई तीन महीना कहाँ निकल गया मुझे जरा भी पता नहीं चला था एंड विद बेस्ट रिजल्ट्स। सो गाइस, अब मैं आप लोगों के साथ में मेरा ढाई तीन महीने का कीटो डाइट एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मैं अच्छे से लो कार्ब्स पे थी, एकदम ऑल ऑफ अ सडन एक दिन मैं जिम गई और मेरे सर ने मुझे कीटो डाइट का पेपर चिपका दिया और उन्होंने बोला आज से आप कीटो डाइट फॉलो करेंगे। मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, जैसे मैंने वो रीड किया उसमें सब फैट्स लिखे हुए थे कि तुमको खाना एंड मैं ऐसे हो गई कि सर ने जितना भी वेट लॉस करवाया है वो मेरा पूरा गेन हो जाएगा क्योंकि इसमें वही सब लिखा है जो सर ने मुझे इतने महीनों से खाने से मना किया था। तो मैंने सर को बोला सर ये ऐसे कैसे आप मुझे डाइट दे रहे हो, मतलब मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये डाइट सच में मेरा वेट लॉस कर सकती है। मेरे सर ने बोला आप कल से ये डाइट स्टार्ट कर दो और आप घर पे जाके यूट्यूब पे और गूगल सर्च मार के देखिए कीटो डाइट क्या होता है, आप थोड़ी सी नॉलेज लेके आओ और आप ये डाइट स्टार्ट कर दो करके। ऐसे करके सर ने मुझे समझाया एंड मैंने कीटो मेरा नेक्स्ट डे से स्टार्ट किया था। सर ने मुझे बोल दिया आप भी थोड़ा इसके बारे में स्टडी करो, मैं आपको कल और डिटेल्स में बताता हूँ पर आप कल से ये डाइट स्टार्ट करो। बस मैंने रात भर बैठ के स्टडी किया, नेक्स्ट डे मेरे सर ने मुझे और अच्छे से समझाया एंड फिर मैंने ये डाइट ढाई तीन महीने तक कंटिन्यू किया। फिर मैं सच्ची बताऊँ तो मुझे इस ढाई तीन महीने में कभी भी फील नहीं हुआ है कि मैं ये डाइट क्यों कर रही हूँ, ये डाइट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। मैं एकदम हैप्पीली इसको एंजॉय कर रही थी क्योंकि हमें से चीज, बटर और चिकन मिल रहा था खाने के लिए तो मैं बहुत ही ज्यादा हैप्पी थी। पर हाँ, स्टार्टिंग के 10-15 दिन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि हमको हैबिट होती है प्रॉपर मील्स खाने की और हम नहीं खा रहे होते हैं तो उससे सिर्फ इतनी प्रॉब्लम होती है कि हमारी बॉडी को टाइम लगता है कीटो की डाइट को अपना बना लेने के लिए क्योंकि इतने सालों से हम रोटी सब्जी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं एंड सडनली वो सब बंद हो जाता है तो हमको थोड़ा सा ना चक्कर आता है, थोड़ा सा ब्लैकआउट फील होता है, हमारी बॉडी थोड़ी वीक फील करती है। बस वो एक 10-12 या 15 दिन आप पकड़ सकते हैं प्रॉब्लम देता है बट एट द सेम टाइम वो इतना अच्छा वेट लॉस रिजल्ट दे रहा होता है ना कि आपको लगता है यार चलेगा, हम सब सहन कर सकते हैं, हमको मेन है वेट लॉस होना एंड वो बहुत अच्छे से होता है एंड वो ज्यादा टाइम के लिए नहीं है ये प्रॉब्लम्स। ये लिटरली सिर्फ एक 10-12-15 दिन आप पकड़ लो, थोड़ा सा आपको वीकनेस फील होगा और क्यों नहीं होगा क्योंकि तुम बिल्कुल भी
भी रोटी सब्जी नहीं खा रहे हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बट सो गाइज, यही था मेरा कीटो एक्सपीरियंस जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। अगर आप कीटो डाइट कर रहे हैं तो मेरे आने वाली रेसिपीज को जरूर ट्राई कीजिएगा, आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा कीटो डाइट करना। सो गाइज, आई विल बी बैक विद सम न्यू वीडियोस फॉर यू गाइज सुपर सून। टिल दैट टाइम लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय, टेक केयर।